Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्रभु श्री राम से जुड़ी कई कथाएं हैं और इनमें से एक कथा है उनके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में। दरअसल अश्वमेध यज्ञ में होता यह था कि जो भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था वो अपनी अर्धांगनी के साथ मिलकर यज्ञ किया करता था। यज्ञ के बाद एक अश्व जिसके गले में एक तख्ती लटकी होती थी जिस पर लिखा होता था यह अश्व अमुक राजा का है, यह जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा वो इस राजा की संपत्ति हो जाएगी, अगर कोई इसे पकड़ता है तो वो इसे अश्व के मालिक से युद्ध करना होगा। प्रभु श्री राम को भी चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए उनके छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई का कहा ठुकरा नहीं सके और यज्ञ की तैयारी आरंभ की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बिना अर्धांगनी के यज्ञ में बैठना अनुचित था और प्रभु श्री राम ने अपने पत्नी देवी सीता का त्याग कर दिया था। सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि बिना देवी सीता के यह यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तभी यज्ञ के पुरोहित ने एक सरल उपाय सुझाया कि माता सीता की जगह अगर उनकी सोने की मूर्ति बनाकर बिठा दी जाए तो यज्ञ किया जा सकता है। उनका यह उपाय सभी को भा गया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं उन्हें अवश्य मनाकर वापस लाऊंगा। जब से प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था तभी से उन्होंने इसे अपना ही भविष्य मानकर जंगल में समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था। जब लक्ष्मण उनके पास पहुंचे तो माता सीता को देखते ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने माता सीता को साथ चलने को कहा। बहुत विनती करने पर माता सीता उनके साथ वापस अयोध्या आई। आते ही प्रभु श्री राम की माता कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगाया और सोने की मूर्ति हटाकर माता सीता प्रभु श्री राम के साथ यज्ञ में शामिल हो गईं। यज्ञ समाप्त होने पर दोनों ने घोड़े को स्पर्श किया जिससे घोड़ा अपने वास्तविक रूप में आ गया। तब प्रभु श्री राम ने पूछा कि आप कौन हैं? इस पर उसने उत्तर दिया कि प्रभु सब कुछ जानते हुए आप मुझसे सुनना चाहते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। एक दिन की बात है, मैं सरयू के तट पर स्नान करके पूजा कर रहा था तभी मुझे महसूस हुआ कि लोग मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने उन्हें ठगा। ठीक उसी समय महर्षि दुर्वासा भी वहां आए हुए थे और जैसा कि सभी जानते हैं उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है और मेरे दंभ की सच्चाई उन्हें पता थी। साथ ही मैंने उठकर उनका अभिवादन भी नहीं किया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू मनुष्य होकर भी जानवरों सा व्यवहार कर रहा है, अतः अगले जन्म में तू जानवर बनेगा। जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ तो मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया और क्षमा मांगा। मेरी विनती सुनकर उन्होंने कहा अगले जन्म में तुम अश्व बनोगे और प्रभु श्री राम और माता सीता के स्पर्श से तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।